गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तैयार बड़े ही होंगे। ओके, क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पीछे क्या है? धुआं धुआं सा। ये मेरे पीछे कोहरा है। हाँ, ऐसा ही पड़ता है हमारे यहाँ। क्या, क्यों पड़ता है? क्योंकि यार, जब हिमाचल में मनाली साइड उधर पहाड़ों पर जब बर्फ़ गिरती है, तो यार उसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, वो सभी से क्षेत्रों में वो अपनी एक छाप छोड़ती है। उसका नाम है ओस। ओके, तो चारों तरफ कोहरा कोहरा हो जाता है और उस पड़ने लगती है हल्की हल्की। उस कोहरे को हटते हटते काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 2 से 3 घंटा भी हो जाते हैं। कभी कभार तो सूरज निकलता भी नहीं। ओके, क्या यहाँ की गाड़ी वगैरह कैसे चलती होंगी, वो भी हम आपको बताते हैं। चलो चलते हैं हाईवे की ओर। देखा हाईवे का कोहरा कैसा है। अभी इस समय 10 बजे तो थोड़ा सा कम हो गया है, वरना 6 बजे तो काफ़ी और ज़्यादा ही था यार। सामने वाला टेम्पू वाला कोई भी नहीं दिख रहा था। ओके, तो बड़े साधनों पे तो यार बहुत दिक्कत हुई है, और साथ ही साथ जो पैदल चलते भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे ही कोई क्रॉस करता है रोड को, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप रोड क्रॉस करो तो यार आराम से करना, क्योंकि ठंड का टाइम है। आदमी में अगर टक्कर पड़ी तो हाल चटपट हाल निपट बगल में जाना, ठीक है? तो ज़्यादा घर से बाहर निकलना नहीं, कम से कम 10 बजे तक तो रजाई में रहना ही रहना। क्या बोले, यहाँ की ट्रेनें? चलो मैं ट्रेनें भी दिखाता हूँ। अभी थोड़ा नाश्ता ले लूँगा अपने लिए, फिर नाश्ता लेके हम मार्केट से सीधे स्टेशन की ओर चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ओके, थोड़ा बहुत फिर देखेंगे आगे। नाश्ता लेते हैं। कोहरा कुछ नॉर्मल ही है अभी इस समय, क्योंकि इस समय 10 बजे है तो यार थोड़ा कम हो गया कोहरा, वरना 5 बजे तो बहुत ज़्यादा ही था ना। तो इस समय मैंने समोसा कचौड़ी ले ली है अपने नाश्ते के लिए। अभी चलता हूँ मैं स्टेशन की ओर। ओके, हाँ, स्टेशन पहुँचने मेरे को करीब 10 मिनट लगेगी, जब तक नॉर्मल टाइम मैं आपको डायरेक्ट पहुँचाऊँगा। ओके, ये लो आ गए बामौर के स्टेशन पे। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा है यार, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अभी अपन देखेंगे यहाँ पर ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। वैसे तो एग्जैक्टली यहाँ से डेली ट्रेन निकलती हैं तो करीब 90-100 पर आवर की स्पीड से निकलती हैं यहाँ से, बट आज देखते हैं यार आज कितनी स्पीड से निकलेंगी। ओके, क्योंकि ऐसे कोहरे में तो यार ट्रेनों की स्पीड मद्दी हो जाती है। देखते हैं अभी ट्रेन आने वाली है कहाँ। फिलहाल तो आप यहाँ के कोहरे के मज़े लीजिए, और यार ठंडी में कपड़ा पहन के निकलिए। ओके, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। आ गई ट्रेन, आ गई। देखो आपको दिख रही होगी लाइट में, अंधेरे अंधेरे में लाइट थोड़ी सी। तो यार देखा आप लोगों ने ट्रेन की स्पीड कितनी धीमी थी। एक्चुअली इसी वजह से धीमी चल रही है, क्योंकि सामने एक पता नहीं क्या आ जाए, कौन आ जाए, और इतने कोहरे में किसी का पता नहीं चलता, और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए
ट्रेन भी मध्य चल रही तो आप लोग तो संभल के चलिए यार। ओके तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 5 मिनट की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई, जिससे जिसको चाहे तो आप वायरल भी कर सकते हैं। वायरल क्यों करें, वायरल करना आपके हाथ में, मुझे पता है, बट यार जब वायरल हो जाएगी ना वीडियो तो मुझे और बनाने में अच्छा लगेगा, जैसे कि न्यू एडवेंचर करने में, कहीं अच्छी जगह घूमने में, बहुत सी सारी चीज़ें यार। खैर मैं सब कुछ बातों में बयां तो कर नहीं सकता, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Thank you.